दोस्तों आज के वीडियो में आपको दुनिया की सबसे रहस्यमय दरगाह शरीफ लेकर के आया है। दोस्तों यहाँ पे भूत प्रेत काला जादू जो भी ब्लैक मैजिक किसी ने कुछ करा दिया या किसी ने कुछ पिला दिया इन सब चीज़ों का यहाँ पे इलाज होता है। और जैसे कि अभी दोस्तों आपको चक्की के बारे में बताने वाले हैं, यहाँ पे चक्की के राउंड लगाने से किसी के शरीर के अंदर अगर कुछ रूहानी ताकत भूत प्रेत होता है तो यहाँ पे वह अपने आप बाहर निकल आती है। तो दोस्तों यहाँ के बारे में हम जाने की जो यहाँ के खादिम साहब है, दोस्तों सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद है आप लोगों तक जानकारी पहुँचाना, किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। तो दोस्तों यहाँ के खादिम साहब से हम बात करेंगे और यहाँ पर जानेंगे यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर इलाज होता है और चक्की के कैसे चक्कर लगाए जाते हैं, अभी आपको चक्की भी बताएंगे, पूरा लाइव बताने वाले हैं। दोस्तों ये दरगाह शरीफ गुजरात के उंझा शरीफ में स्थित है, उंझा शरीफ उन्नावा अहमदाबाद से करीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर दरगाह शरीफ है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं यहाँ के खादिम साहब सैयद मुजाहिद अली, यहाँ के बारे में जानते हैं और आपको चक्की का पूरा नज़ारा बताते हैं। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को आगे शेयर करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद मुजाहिद अली हाजी अब्दुल सलाम, मैं हुजूर सैयद अली मीरा दत्तार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ से सज्जादा नसीम। हुजूर सैयद अली मीरा दत्तार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ अहमदाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी के ऊपर उंझा उन्नावा मीरा दत्तार के नाम से जानी जाती है। और ये जो आप देख रहे हो ये सैयद अली सरकार की दादी जान की चक्की है। अब ये चक्की की एक ऐसी करामात है कि यहाँ पर 3 राउंड लगाने से या 7 जितने भी राउंड लगाने से, 2, 5 या 10 राउंड लगाने से उनके शरीर के अंदर जो भी तकलीफ होती है, जादू होता है, तो ऐसे चिल्लाने लगते हैं और उनके शरीर के अंदर जो ब्लैक मैजिक होता है, उनके शरीर के अंदर जो जीन होता है, जिन्नात होता है, वो कब्जे हो जाता है, कैद हो जाता है। तो हुजूर सैयद अली मीरा दत्तार रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आने वाले लोग दरबार में सलामी करने के बाद ऊपर चक्की पे आते हैं, आगे वीडियो में आपको चक्की का रास्ता भी बता देंगे। तो चक्की पे आता है, चक्की पे आने के बाद 7 राउंड लगाने से या 21 राउंड या 10 राउंड लगाने से उनके शरीर में जो भी तकलीफ है, जादू है, बंदिश है, वो चिल्लाने लगती है। उनके शरीर में जो ब्लैक मैजिक है, जो जिन्नात का असर है या कुछ भी है, तो वो चिल्लाने लगते, ऐसे बूहे पड़ने लगते। तो दातार बाबा की दादी जान की चक्की है, तो चक्की पे 7 राउंड लगाने से किसी भी तरह की तकलीफ रहती है, जादू रहता है, वो दूर हो जाता है। और हुजूर सैयद अली सरकार की बारगाह से इलाज दिया जाता है 40 दिन का, कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, जादू बंदिश या रोजी कारोबार में तकलीफ होती है, तो 40 दिन का इलाज देने से इंसान की सभी तरह की तकलीफें दूर हो जाती है। और सैयद अली मीरा दत्तार का दरबार एक ऐसा दरबार है कि हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर जात का हर धर्म का यहाँ पर लोग आता है और सरकार को मानते हैं। और यहाँ पर दादी अम्मा की ये चक्की है, यहाँ पर राउंड लगाने से जो भी तकलीफ रहती है, जादू रहता है, वो दूर हो जाता है। और ये चक्की दरगाह के अंदर ही है, सैयद अली सरकार के दरबार के सामने जाने का रास्ता है चक्की के ऊपर, चक्की दरबार के अंदर ही। और चक्की पे 7 राउंड लगाने से या 21 राउंड लगाने से जो भी तरह की तकलीफ रहती है दूर हो जाती है। और जो लोग नहीं आ सकते यहाँ पर सैयद अली मीरा दत्तार रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में, तो ये वीडियो देखकर हमारे से कॉन्टैक्ट करें। अगर मैं कॉल का रिप्लाई नहीं दे सकता क्योंकि ज़्यादा कॉल आते हैं, बहुत कॉल आते हैं कि आप उठा नहीं रहे, कॉल नहीं उठा रहे, तो ज़्यादा करके मेरे को आप व्हाट्सएप के ऊपर SMS कीजिए तो मैं आपको जल्दी रिप्लाई दूंगा। कॉल के ऊपर आपको जल्दी रिप्लाई नहीं मिलता तो आप व्हाट्सएप के ऊपर SMS कीजिए तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर तुरंत रिप्लाई मिलेगा कि कौन सी जगह पर यह दरगाह है। ये दरगाह है अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूरी के ऊपर उंझा उन्नावा मीरा दत्तार, उंझा स्टेशन है, उन्नावा गांव है, उन्नावा के अंदर सैयद अली सरकार की दरबार है। और सरकार के दरबार में 40 दिन का इलाज किया जाता है, इंडिया के लोगों का भी किया जाता है, बाहर के लोगों का भी किया जाता है, और घर बैठे भी इलाज किया जाता है। जो लोग नहीं आ सकते वो हमारे से कांटेक्ट करें तो आपको पानी ताबीज घर बैठे आपके कुरियर पे आपको घर बैठे भेज दिया जाएगा। तो किसी भी तरह की तकलीफ होगी आपको इंशाअल्लाह वो तकलीफ दूर हो जाएगी। और दातार बाबा के दरबार में आने वाले जो लोग हैं दादी अम्मा की चक्की पे आते हैं। अब दादी अम्मा की एक चक्की ऐसी कि आप जब चक्की पीसते थे और आप कुरान की इबादत करते थे, जब आप चक्की पीसते थे तो कुरान की इबादत करते थे, तो अल्लाह ताला ने उस चक्की के अंदर एक ऐसा फैज डाल दिया है कि उसको हमने भी गुम्बज बना के रख दिया, चक्की उसके अंदर है। तो उस पर राउंड लगाने से जो भी तरह की तकलीफ होती है इंसान के साथ चक्की में कैसे पीसते जाता है, उस तरीके से उनकी जो भी तकलीफ है, जिन्नात है, उस चक्की में वो पीस जाता है और ख़त्म हो जाता है। सरकार के दरबार में आने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, राउंड लगाते हैं। और जो कोई दरबार में नहीं आ सकता, किसी को मालूम नहीं है एड्रेस, तो हमारे से कांटेक्ट करें, या तो फिर तरुण भाई का ये चैनल है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और इस चैनल के ऊपर हुजूर सैयद अली मीरा दत्तार रहमतुल्लाह अलैह की सच्ची कहानी बताई जाती है।